बहादुरगढ़ के छोटूराम नगर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी मृतक के शव को उसी की गाड़ी में उसके दोस्त के साथ अगवा कर ले गए। स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी की स्पीड कम होने का फायदा उठाकर मृतक का दोस्त गाड़ी से कूदकर भाग गया, जिसके बाद आरोपी कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। लाइन पर थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक सूरज के दोस्त देवीलाल का कहना है कि वो खाना खाकर घर से गाड़ी में सीएनजी भरवाने के लिए निकले थे। उसी वक्त पीछे से कुछ युवक आए और उन्होंने आते ही सूरज को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने मृतक के दोस्त देवीलाल की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक सूरजमल मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और छोटूराम में किराए के मकान में परिवार के साथ रह रहा था। गुजर बसर के लिए मृतक चौकीदार का काम करता था। सूरज और उसके दोस्त देवीलाल का एक दिन पहले ही MIE एरिया में किसी के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़ा करने वाले युवकों की भी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस इसी लीड के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। सर, क्या मामला था ये? क्या सूचना मिली थी कि छोटूराम नगर में एक गाड़ी में डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना को पाकर हम मौके पर पहुंचे, वहां देखा कि वैगनर कार में एक नौजवान की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो हमने उस टाइम मौके पर स्पेशल टीम बुलवा ली। मैं भी मौके पहुंच गया था, वहां देखा उस गाड़ी में वो थोड़ी देर बाद उसका साथी, जो मृतक का साथी देवलाल आया, उसने बताया कि भाई हमारे पर वहां जो छोटूराम नगर है, हम घर से चले थे खाना खा के, उसके थोड़ी देर बाद एक पीछे से कई लड़के आए, हमारे पर गोली चलाई इसने, जिसमें सूरज की मौत हो गई। मेरे को भी गाड़ी में ले गए, वो भाग लिए थे। मैं गाड़ी में से उतर कर स्पीड ब्रेकर पर नीचे उतर गया, अपनी जान बचाई। मेरे साथी को वैगनर कार को छोटूराम के पिछले हिस्से में झाका बड़ा पड़े रहता है, वहाँ छोड़ कर भाग गए। कुछ रंजित थे सर, ये बता रहे हैं, हमारा कुछ शाम को किन्हीं बच्चों के साथ जिनको हम नहीं जानते, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा MIE एरिया में हुआ था, लेकिन ये नहीं पता जानते हैं वो कौन आदमी थे। किस चीज़ में आए थे सर आरोपी? आरोपी ये बता रहे भाई वहाँ से तो पैदल है और मोटरसाइकिल का भी बात आ रही है सामने, और जो मौके पर थे वहाँ एक गाड़ी की भी बात आ रही है, लेकिन सच्चाई का पता लगेगा जब मुलजिम सामने आ जाएंगे और क्लियर हो जाएगा भी कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट थे और क्या बात थी। तब्ती जारी है और हमने इसको जल्दी ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है।